खा जा रही है। हमारा चेकआउट टाइम ये कर है और अभी आएंगे बाद में, दिसंबर में आएंगे। और ये हमारे अंकल हाय कर दो। हाँ, ये हमारे अंकल है, हमेशा भी फोन करते थे कोरोना में कैसे हो, क्या हाल है, हाल चाल पूछते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे अंकल है। और अभी दिसंबर में आएंगे वापस। हाँ, वापस आएंगे। चलो बता कैसा लग रहा है। नहीं, मेरे को बिल्कुल जाना नहीं है। जा रहा है तेरे को? बात ही नहीं करनी इस बारे में। हम आ जाएंगे ना वापस। मेरा बच्चा में पूरा लाइफ टाइम यही कर रही है, ऐसा हर साल होता है। इस पता नहीं, शायद हम लोग पिछले जन्म कश्मीरी थे, जो हमें बहुत अटैचमेंट, क्योंकि हम लोग बचपन से ज्यादा यही रहे। गाइस, अभी यहाँ पे दोनों से केसर की खेती मतलब अभी तक हुआ ही नहीं, क्योंकि वो मैंने आपको पहले बताया कि वो होता है अपने नवंबर में, लेकिन जैसे आपको जगह दिखा देती हूँ कि कहाँ पे वो खेती करते हैं। तो दोनों साइड से मतलब ये पूरी एंड तक केसर की खेती होती है इसमें। और कभी अभी वो बारिश के टाइम पे लगाएंगे और फिर नवंबर तक उसमें केसर आ जाएगा। गाइस, अभी हम रुके केसर लेने के लिए, मतलब लिया था, लेकिन कुछ जो दो अंकल है उनको फिर से लेना है, क्योंकि इसके बाद आगे नहीं मिलेगा। ये आखिरी पॉइंट है कश्मीर का जहाँ पे केसर मिलता है, पामपुर करके एरिया है। ये देखो गाइस, ये है केसर का फूल, उसके अंदर जो छह कलर के क्या बोलते हैं उसको, पराग, उसको अभी पराग कहते हैं मराठी में, अभी हिंदी में मुझे नहीं पता। वो छह पराग रहते हैं, तीन लाल और तीन येलो, दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे है तीन लाल और तीन येलो। ओके, सो जो लाल है ना वो असली केसर है, और जो येलो है वो ऐसे फेंक देते हैं। तो कभी कभी वो जो नकली केसर आते हैं वो इसी को ही केमिकल में डाल के लाल बना के ऐसा कुछ हो जाता है। इससे होता है केसर। अंकल प्राइस क्या है? एक ग्राम से प्राइस क्या है? अड़ीशे 250। अभी हम खाने का खा रहे हैं, चाचा की स्ट्रॉबेरी, तो चाचा ने डब्बा दिया था, तीन चार डब्बे दिए थे, तो अभी हम वही बस में सब मिल के खा रहेंगे। जाते बेटे, ये देखो गाइस, सीजन बैट है लेदर के। लेदर के? हाँ, जो उनके पास होता है, विराट कोहली के पास। ओके, के पास, रोहित शर्मा के पास। इधर से लेके जाते हैं क्या? हाँ, कुछ भी सुना आपने गाइस, ये पीछे मेरे बैट सीजन वाले जेड एस आई। ये सभी ले लेती हूँ, अभी क्या करे। वो आपका नहीं है, आपको ये साथ भी है ना। अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं बैट। ये देखो सोचते दे, देखो एक सेकंड, अभी हम मशीन में डालेंगे और फिर उससे बैट बनाएंगे। सुबह सुबह आए तो क्या पता, हमें पूछ के देखते हैं अगर बना के दे सकता है तो। गाइस, अभी स्टार्ट करें। अंकल, बैट वाले अंकल आ जा। लौड़ा भूसा काय कर रहे है भूसा? देखो, हर एक की अलग अलग मशीन है। ये बैट के लिए उन्होंने बताया, ये वाली हैंडल के लिए, हैंडल के लिए। देखो इधर बना के रखा है, ये जो पैटर्न लगे है ना वो धूप से आए। हाँ, ये सूखेगा, फिर ये 8 महीने के बाद काम पर लगेगा। ऐसा? हाँ, हम ये सर्दियों में इसको चुरा के रखते हैं। अच्छा, जहाँ यहाँ बर्फ बर्फ होती है ना, सर्दी होती है। ये पेड़ कौन सा? ये विलो है, कश्मीर विलो। दो ही जगह मिलता है, एक इंग्लैंड में और एक कश्मीर में।
अच्छा, उसको कश्मीर भी लोग बोलते हैं, उसको इंग्लिश लोग बोलते हैं। ओके, फिनिशिंग मशीन। खेलते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो विराट कोहली धोनी है वो इसी बैट से खेलता है। हाँ, ये सिंगापुरी हैंडल है, ये 400 में आता है बाहर का। देखो ये सिंगापुरी हैंडल बाहर से आता है, ये टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। अंकल ने हम सबके लिए तलवार बनाई छोटी छोटी, अभी हम उसको पेंट करेंगे और उस पर कश्मीर लिखेंगे। काफ़ी अच्छा था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा कैसे बैट बनाते हैं, कैसे पता आपको पता चल गया होगा। अभी मशीन की आवाज़ की वजह से सुनाई नहीं दिया होगा, बट किया अच्छे से एक्सप्लेन। सो या अभी चलते हैं, अभी जाते हैं घर में जम्मू स्टेशन, और रास्ते में कुछ कुछ क्या क्या मिलता है देखते। सो या चलो। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, इतना गर्म हो रहा है अभी। और यहाँ पे ठहरने का पानी आता है छोटा सा, वहाँ से भी पानी भर रहे हैं। ये फ्रेश पानी है ना, बिल्कुल एक्चुअली यहाँ पे ना पहले वन वे था, अभी टू वे कर रहे ना, तो रास्ते के सारे ढाबे रेस्टोरेंट छोटे मोटे होटल सब निकाल दिए, और खाने पीने के वांदे हो चुके हैं। आपको एक बताना भूल गई थी मैं, यहाँ की स्वीट जो है वो पतीसा, वो आप लेके जा सकते हो, लेकिन कश्मीर में आओगे तब लेना, क्योंकि वो गर्मी में हमारे मुंबई में नहीं टिकेगा, दो दिन में ख़त्म करना पड़ेगा। और पहले एक गाँव था इधर, मतलब है अभी भी, कूद करके वहाँ पे वो पतीसा बनाते हैं, लेकिन अभी रास्ते सब नए हो चुके हैं, तो वो अभी न्यू रास्ते पे नहीं लगता है। अभी रास्ते में किधर मिला तो हम लेंगे और फिर आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा दिखता है। लेकिन ये यहाँ का मिठाई है पतीसा। ओके, अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं, 3 बज चुके हैं, और ट्रिप में ऐसे होता है कभी कुछ भी खाने को टाइम ही नहीं रहता है। और मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे ढाबा होगा कुछ भी रहता है, एक्चुअली हम पैकेज लंच लेके आए हैं और इसके लिए ढाबा ज़रूरी है, रास्ते में तो नहीं बैठ सकते इसलिए, तो ढाबा
उधर बैठेंगे और फिर खाना खाएंगे। और यहाँ से जहाँ पे हम रुके हैं ना, वहाँ से व्यू इतना सुंदर है। डैम का पानी छोड़ा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे दिख रहा है। ये फोटो थोड़े चांगले अवतर को नहीं नहीं ये यहाँ जो फल है प्रसाद होता है, ये जहाँ भी आप चढ़ा एप्री छोड़, ये सर 30 का एक है, 50 के दो। ये इधर में ना बहुत महंगा मिलता है, खा के देखो। गाइस अभी हम उतर चुके हैं, पतीसा ले रहे हैं, खा देती हूँ आपको कैसे होता है। प्राइस क्या इसका? इसका 400 रुपए किलो। और एक लिया हमने सत्तू। क्या है सत्तू? क्या अंकल सत्तू क्या चीज है? मक्की का सत्तू होता है, फ्राई करके बनाया हुआ है, चाय के साथ खाना है। अच्छा तू है घेतलं? टेस्ट केलं? नई रेसिपी तो कुछ तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे समरोली करके प्लेस है, उधमपुर में पड़ता है, उधमपुर के आसपास। यहाँ पे आपको मिठाई मिल जाएगी पतीसा, तो जरूर लेना। टेस्ट करने को देते वो, तो टेस्ट करना अगर अच्छा लगता तो ले लेना। तभी हम पहुंच गए जम्मू स्टेशन और हम ढूंढ रहे हैं टैक्सी, क्योंकि हमें किचन का सामान और सब लेके जाना है। अब इकड़े पड़ा ही पर पूछ तो उनको। हाँ इतना पृथ्वीराज की तलवार, चलो छोड़ो पहले अभी टैक्सी कर लेते, फटाफट नजदीक ही है, देखो सामने ही है। देखिए क्या देखो सामान ज्यादा इसलिए कर रहे, चलो बाद में मिल जाऊँ। हमारी ट्रेन है 11:30 की और अभी बज चुके हैं 8:30, तो टाइम है। और खाना खा के इधर से खाना खा के जाएंगे, ट्रेन में नहीं लेकर जाएंगे। तो अभी ढूंढ रहे हैं खाने के लिए कुछ है क्या, ले तो प्लेटफॉर्म पे अगर नहीं मिला, ये जम्मू स्टेशन है मेरे पीछे, अगर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिला तो बाहर जाके वैसे देखने के लिए। तो अभी देख के आते मेरे क्या खाने के लिए है और फिर आगे का डिसाइड करेंगे। अभी आपको सुनाई भी दे रहे हैं, पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे खुद को नहीं मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। इधर तो कुछ है, पांचट पांचट ही है। यहाँ पे सिर्फ पूरी सब्जी, कुछ कोई भी सब्जी बोल दो, आपने देखी लिया लास्ट टाइम की थी पापा की, चावल और राजमा ये हर जगह पे। तो एक बंदे ने हमें बोला कि आपसे रेस्टोरेंट है, तो देखते हैं मेरे रेस्टोरेंट में क्या है, नहीं तो फिर बाहर ही जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा जन आहार करके लिखा है, उधर हम आगे आगे चलते हैं। इसे सामने ये देख लो, इधर क्या क्या है चेक करते हैं। इसे दिखने से तो लग रहा है कुछ अच्छा मिलेगा, चाइनीज़ वाइनीज सब है यहाँ पे। सो ये वाला बेटर लगा, हम बाहर नहीं जा रहे अभी, यही वाला खाएंगे, चाइनीज़ खाएंगे वो ठीक है। अभी खाना खा के आए हम इधर रिटर्न बैठने, वेटिंग रूम में ही बैठे हैं। और इतना ठीक था, ओके ओके था, इतना भी नहीं लेकिन इतना बुरा भी नहीं, बेटर ज़्यादा खा सकते इतना था। अभी ट्रेन का टाइम हो जाएगा, फिर हम जाएंगे ट्रेन पकड़ेंगे, तो मैं ब्लॉग ये वाला यही पेंट करूँगी। लेकिन हमारी सीरीज ख़त्म नहीं हो रही है, अभी दिल्ली बाकी है। ओके तो अभी कल का ब्लॉग दिल्ली वाला होगा, दिल्ली ब्लॉग होने के बाद सीरीज ख़त्म हो जाएगी। तो यार आखिरी ब्लॉग बचा है, अब तक ब्लॉग देखते रहे हो तो आगे का आखिरी वाला ब्लॉग भी देखना। आपको कश्मीर अच्छा लगा होगा, होप सो, क्योंकि है ही वो अच्छा, जितना मुझे पॉसिबल हुआ मैंने उतना कवर किया है कश्मीर का एरिया, बट खुद से देखने में और वीडियोस देखने में फ़र्क है। तो यार आप ट्राई करना, आना ज़रूर कश्मीर, विजिट करना। अभी मैं ब्लॉग ये वाला एंड करती हूँ और अभी हम मिलेंगे कल डायरेक्टली दिल्ली में। ओके चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।